बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे घर के खाने में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं बनाने लगी हूँ वो बकरा ईद स्पेशल कह लीजिए, मटन कलेजी। अच्छा, ये मैंने पूरी मटन कलेजी ली है, आप देख सकते हैं इसमें दिल, गुर्दे, कलेजी, फेफड़े सब शामिल है। मटन का तो भाई पूरी ही लेते हैं, तो मैंने भी पूरा ही लिया है सामान। और ये तकरीबन एक बकरे की है। अब एक बकरे की अंदाज़न आप कह लें 1 से 1.25 किलो होगी, ठीक है। इसके साथ मैंने ली हैं 2 दरमियानी प्याज़ें, उन्हें मैंने रफली काट लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, पिसी लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच और हल्दी पाउडर तकरीबन 1/2 खाने का चम्मच। ये मसाले तो मैं कलेजी में प्याज के साथ शामिल करूँगी। और हमें चाहिए होगा दही 1 प्याली, तेल 1 प्याली, कसूरी मेथी 1/2 प्याली या कह लें 3 खाने के चम्मच और नमक तकरीबन 1 चाय का चम्मच। नमक कलेजी में हमेशा आखिर में जाता है, याद रखिएगा। अगर आप शुरू में नमक शामिल कर देंगे तो कलेजी अकड़ जाएगी, गलेगी नहीं, बहुत सख्त हो जाएगी। और साथ ही साथ हमें जो चाहिए वो है 1 गिलास पानी। चलिए तो अब बनाना शुरू करते हैं, कैसे बनाएंगे कलेजी जी। तो अब हम मज़ेदार सी कलेजी बनाना शुरू करते हैं। मैंने पतीला ले लिया है, आप देख सकते हैं, उसमें मैं शामिल करूंगी ये मटन कलेजी जो मैंने अच्छी तरह लहसुन लगा कर रख दिया था 1/2 घंटे के लिए, फिर इसको धो लिया था। याद रहे लहसुन लगाने से कलेजी की बू मर जाती है, तो 1/2 घंटे के लिए छिलकों के साथ लहसुन कुचल कर लगा दें और फिर इसको धो लें। चलिए तो इसे पतीली में शामिल कर देंगे, ये कलेजी चली गई। अब इसमें मैं डालूँगी प्याज जो मैंने काट के रखी हुई थी, 2 से 3 दरमियानी प्याज है। और ये सारा मसाला जो निकाल के रखा था जिसमें शामिल है लहसुन अदरक का पेस्ट, धनिया, मिर्चें और हल्दी। चलिए जी, मसाला भी चला गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 गिलास पानी जो हमने निकाल के रखा था। 1 गिलास कम लग रहा है, मैं 1/2 गिलास और पानी डाल। ये चला गया 1.5 गिलास पानी, ठीक है ना। अब इसकी ढकनी ढक देंगे और इसको चूल्हे पे पकने रख देंगे। तो दरमियानी आँच का चूल्हा जला दिया है, अब अपने पतीला रख दिया है जिसमें कलेजी रखी थी, इसका ढकना ढक देंगे। तकरीबन 20 मिनट तक इसको ऐसे ही पकने देंगे और फिर हम आपसे मिलेंगे 20 मिनट के बाद। चलिए तो 20 मिनट तक पकने देते हैं और फिर मुलाकात करते हैं जी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं कलेजी कहाँ तक पहुँची है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सही बन रही है, आप देख सकते हैं जो मैंने 1.5 गिलास पानी शामिल करा था वो उसमें ही पक रही है। लेकिन अभी चूँकि मुझे इसका थोड़ा पानी खुश करना है तो मैं इसे 10 से 15 मिनट और पकने दूंगी। तो 10 से 15 मिनट और पकने देते हैं, फिर देखते हैं जी। तो मज़ीद 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आप देख सकते हैं 1/2 घंटे के अंदर कलेजी का पानी खुश्क हो चुका है, यानी कि कलेजी हमारी गल चुकी है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी दही। ये मैंने 1 कप दही ली थी, तकरीबन 200 ग्राम जी। तो दही शामिल कर दी है, अब दही शामिल करके इसको मैं तकरीबन 10 मिनट तक और भूनूंगी ताकि जो दही का पानी है वो भी खुश्क हो जाए और दही हमारी कलेजी में भुन जाए। फिर इसमें मैं शामिल करूंगी तेल और कसूरी मेथी। चलिए तो 10 मिनट तक दही को भूनते हैं जी। तो 10 मिनट हो चुके हैं दही डाल के भूनते हुए, अब इसमें मैं शामिल करूँगी तेल। ये तेल भी मैंने 1 कप लिया है और इसको शामिल कर दिया है। तो तेल शामिल करके थोड़ा सा चूल्हे को हम बढ़ाएंगे, चूल्हे की आंच को, और फिर तेल डालकर इसको कसेंगे ताकि ये जो मसाला है ये अच्छे से तेल में रच बस जाए और हमारी कलेजी तैयार हो जाए। ज़रा सा इसमें ये रच जाए फिर इसमें मैं कसूरी मेथी और नमक शामिल करूँगी। याद ध्यान रहे नमक अभी तक मैंने नहीं डाला है, कलेजी में नमक बिल्कुल तैयार होने के बाद आखिर में शामिल होता है। 5 मिनट नहीं बल्कि 3 मिनट तक इसको थोड़ा सा कसेंगे, फिर इसमें मेथी और नमक शामिल करेंगे जी। तो तेल शामिल करके 3 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसमें मेथी शामिल कर दूंगी। ये मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच मेथी ली थी, इसको अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद मैं इसको कलेजी में शामिल कर दूंगी। साथ ही साथ अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक जो हमने निकाल के रखा था। नमक आप हसबे जायका ले सकते हैं, जितना आपको पसंद है। मैंने इसमें तकरीबन 1 चाय का चम्मच लिया है।
अब इसको मिलाएंगे मिक्स करके, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मैं ढक कर 5 मिनट तक रख दूंगी, बिल्कुल दरमियानी, क्या बिल्कुल ही हल्की आंच पे, दम पे, ताकि 5 मिनट ज़रा दम पे रहे तो कलेजी की स्मेल वगैरह सब ख़त्म हो जाए। अब 5 मिनट हो चुके हैं ऐसे दम पे, अब देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं माशाल्लाह रोगन पूरा ऊपर आ चुका है, कलेजी हमारी बहुत अच्छे से भुन चुकी है। अब आप इसको पतली पतली चपाती के साथ खाएं, मज़े उड़ाएं और मुझे बताएं कैसी बनी है। चलिए तो अब मैं चूल्हा करती हूँ बंद और इसको डिश आउट की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मटन कलेजी बिल्कुल तैयार है, आप इसको पतली पतली चपातियों के साथ खाएं, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़े की लगेगी। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आप मेरी हर वीडियो से फौरी तौर पर आगाह हो सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ऐसी जी तो चाहे जिंदगी है।